माता-पिता ध्यान दीजिए। तो हम लोग किस चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? छठ पर्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? छठ पर्व। तो हमारा बिहार का क्या है सबसे महत्वपूर्ण पर्व? कौन पर्व है? छठ पर्व। हमारे बिहार में छठ पर्व का बड़ा ही महत्व है। हमारे बिहार में छठ पर्व का क्या है? बड़ा ही महत्व है। यहाँ गांव या शहर हर क्षेत्र में छठ व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे जो बिहार है, बिहार में क्या होता है, शहर रहे या गांव का क्षेत्र रहे, छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार राज्य के लिए छठ पर्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। यह व्रत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पर्व जो है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक महीने। कौन महीना में? कार्तिक महीना। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, तिथि को मनाया जाता है, जाता है। कौन पर्व मनाया जाता है? छठ पर्व। कौन पर्व मनाया जाता है? छठ पर्व। लगभग हर घर में छठ पूजा की जाती है, और लगभग हर घर में छठ पूजा की जाती है। लोग कई तरह की मन्नतें छठी मैया से मांगते हैं, और लोग कई तरह की मन्नतें छठी मैया से मांगते हैं तथा पूरी होने पर व्रत रखते हैं। तथा पूरी होने पर क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। कार्तिक महीने के प्रारंभ से ही लोग इस पावन पर्व की तैयारी में लग जाते हैं, और कार्तिक महीने के प्रारंभ से ही, मैंने शुरुआत होते ही, जैसे ही कार्तिक महीना शुरू हो जाते हैं और लोग इस पावन पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं, लग जाते हैं। इस अवसर पर लोग घरों एवं गलियों की सफाई करते हैं। इस अवसर पर लोग क्या करते हैं? घरों एवं गलियों की सफाई करते हैं। घाटों एवं घाट जाने वाले रास्तों की भी सफाई करते हैं। घर का सफाई करता है, गलियों का सफाई करता है, और घर से लेके घाट तक जाने वाले रास्तों को भी साफ सुथरा करता है और सजाता है। सफाई की जाती है। चारों ओर छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं। चारों ओर क्या सुनाई देने लगते हैं? छठ का गीत सुनाई देने लगते हैं। लगभग सभी परदेशी गांव आ जाते हैं। लगभग सभी परदेशी क्या होता है? गांव आ जाते हैं। परदेशी किसको कहते हैं? जो बाहर में कमाने वाला आदमी होता है, जो बाहर में नौकरी कर रहा है या बाहर कमाने जाते हैं, तो क्या करते हैं? सब लगभग सभी परदेशी घर आ जाते हैं। कब? छठ पर्व में। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है। यह व्रत कितने दिनों तक चलता है? 4 दिन तक यह व्रत चलता है। कौन सा पर्व 4 दिन तक चलता है? छठ पर्व 4 दिन तक चलता है। अभी आप लोग से पूछ रहे थे ना, नहीं बता पा रहे थे, इसको याद रखिएगा। छठ पर्व 4 दिन का होता है। छठ पर्व कितना दिन? 4 दिन तक चलता है। कौन पर्व? छठ पर्व। अभी याद रह गया ना, 4 दिन, जिसमें सभी वर्ग के स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं। इस व्रत में जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रह जाता। इस व्रत जो छठ व्रत जो है, इस व्रत में जात पात का बिल्कुल भेदभाव नहीं रह जाता है। यह व्रत नहाए खाए से प्रारंभ होता है। यह व्रत कैसे प्रारंभ होता है? शुरू से, प्रारंभ में शुरू होना, पर्व शुरू होता है नहाए खाए से।
नहाए खाए के दूसरे दिन खरना होता है, नहाए खाए के दूसरे दिन क्या होता है, खरना होता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखने के बाद रात्रि में रोटी और खीर से खरना करते हैं। रात्रि में क्या करते हैं, व्रती जो जो व्रत रखते हैं वो सब रोटी और खीर से खरना करते हैं तथा प्रसाद बांटते हैं। तथा क्या करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, जो एक पंक्ति में बैठ करके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। फिर षष्ठी के दिन लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। षष्ठी के दिन नहा धोकर के लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, छठ करने के लिए घाट पर जाते हैं और नए कपड़े पहन करके क्या करते हैं, दौरा लेकर के घाट पर जाते हैं। जो ना ले जाता है दौरा, बना हुआ रहता है कपड़ा से, तो दौरा लेके माथा पर सब कहाँ जाते हैं, व्रती सब दौरा लेके जाते हैं छठ घाट, छठ करने के लिए घाट पर जाते हैं। यहाँ व्रती नदी या तालाब के तट पर डूबते हुए सूर्य को फल तथा पकवान से अर्घ देते हैं और क्या करते हैं, नदी या तालाब में जाकर के तालाब के तट पर सूर्य को फल तथा पकवान से अर्घ देकर पूजन करते हैं। फल तथा पकवान से अर्घ देते हैं, किसको, सूर्य भगवान को, किस भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ देकर पूजन करते हैं। वापस घर आकर शाम को आंगन में ईख तथा ठेकुआ से कोसी भरकर छठ का गीत गाकर आरती करते हैं और जब वापस आते हैं वहां से घाट से जब वापस आते हैं तो क्या करते हैं, शाम को आंगन में ईख तथा ठेकुआ से कोसी भरकर छठ मैया का क्या करते हैं, गीत गाते हैं, सब गीत गाकर आरती करते हैं, क्या करते हैं, आरती करते हैं। सुबह होने पर लोग पुनः घाट पर जाकर क्या करते हैं, सुबह होने पर लोग पुनः घाट पर जाकर उगते हुए सूर्य का पूजन कर अर्घ देते हैं। सुबह जब हो जाता है जिस दिन दूसरा अर्घ पड़ता है, ठीक, तो क्या करता है, सुबह होने पर आदमी घाट पर जाता है, घाट पर जाकर के उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। देखिए चित्र में जो देख रहे हैं, ये जो चित्र में दिया हुआ है, सबसे पहले घाट का सफाई हो रहा है और सेकेंड वाला जो चित्र है इसमें पहला अर्घ है, शाम को अर्घ दे रहा है। देखिए जो दूसरा तीसरा नंबर में जो है ये लास्ट वाला सीन दिया है जो सुबह का समय में जल जाता है घाट पे। यह अर्घ गाय के कच्चे दूध तथा घी से दिया जाता है। यह अर्घ जो दिया जाता है किस चीज से दिया जाता है, गाय के कच्चे दूध तथा घी से दिया जाता है। घर आकर सभी व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। घर आकर क्या करते हैं, सभी व्रती, कुछ देर तक घर में भी पूजा होता है ना, ला करके घर में भी पूजा पाठ करते हैं उसको, फिर घर आकर के भी गीत गाते हैं, गाती है ना, उसके बाद क्या करती है, प्रसाद ग्रहण करते हैं सब। इस प्रकार हमारे बिहार में छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस प्रकार हमारे बिहार में छठ पर्व कैसे मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।